नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। भारी गर्मी के बीच राजधानी वासी समेत अन्य जिलों के लोगों को बारिश की बूंदों ने राहत दी है। सुबह से उमस भरी गर्मी के बीच अचानक से दोपहर 2 बजे के बाद बादल छा गए और फिर क्या था, कुछ इलाकों में खूब बारिश हुई तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण, जमुई, मधुबनी, मुंगेर, सुपौल, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, पटना, लखीसराय और बांका जिले के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन्हीं जिलों में मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में तेज हवा जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर पर आर हो सकती है तो कुछ जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 2 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के पार दर्ज की गई है। बुधवार को भी बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री बक्सर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई थी। इसके साथ ही अररिया में 5.2 mm और गोन्हा में 16 mm बारिश हुई थी। राज्य के अधिकांश जिलों में बुधवार को मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ रहा। हवा का प्रवाह भी गति वाला नहीं देखने को मिला जिससे गर्मी का एहसास रात में अधिक हुआ। बुधवार की पूरी रात उमस रही और हवा नहीं चलने से राहत मिली। आज के अलावा मौसम विभाग ने राज्य में बन रहे मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी भाग के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पटना में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान दिन के तापमान में अगले 48 घंटे तक कोई खास बदलाव हालांकि होने की उम्मीद नहीं है। इससे गर्मी के कारण लोगों को बचाव करना ही होगा। राजधानी पटना की ही बात करें तो पटना में सुबह हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ थोड़ी सी राहत मिली थी। इससे आसमान में बादलों का असर दिखा था। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण बिहार में पटना सहित अन्य जिलों में भी दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसे में ये साफ है कि हवा का प्रवाह भी अधिक समय तक नहीं रहेगा। पटना से लेकर राज्य के 31 जिलों में लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना आने वाले कुछ जिलों में करना ही पड़ेगा। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में आई आंधी बारिश से इस तपती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।